नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। कांग्रेस नेता जयंत रमोला, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी और कांग्रेस के नेता अभिनव थापर के विरुद्ध देहरादून कोतवाली में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे ने मामला दर्ज करवाया है। दरअसल कांग्रेस नेता जयंत रमोला और प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी सहित एक अन्य ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड सरकार में वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे के खिलाफ कई आरोप लगाए थे और यही कारण है कि पीयूष अग्रवाल ने छवि धूमिल करने और कूट रचना कर क्षति पहुंचाने और मानसिक क्षति कराने पर मुकदमा दर्ज कराया है। पीयूष अग्रवाल ने देहरादून कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि कांग्रेस नेता जयंत रमोला, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी और कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने प्रेस वार्ता कर उनके जमीन संबंधी बातें अफवाह के रूप में गलत तरीके से पेश कर उनकी छवि धूमिल की है। इसके चलते उनकी और उनके पिता यानी प्रेमचंद अग्रवाल की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया और इसको देखते हुए न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने को कहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने हमारे बेटे पर गलत आरोप लगाए, अब हमने पुलिस कंप्लेन की तो कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए, जब वो गलत आरोप लगा रहे हैं तब वो ये बोल रहे हैं कि साहब आपने टैक्स को स्टैंप चोरी की। जब उन्होंने गलत आरोप लगाए उनके खिलाफ रिपोर्ट हमारे बेटे के द्वारा लिखी गई, अब वो सत्ता की हनक बता रहे हैं, यानी चित भी तेरी और पट भी तेरी, ये तो नहीं होगा ना। यदि हमने गलत कोई आरोप आपने लगाया है उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है, अब ये पुलिस का विषय है ना, पुलिस जांच करेगी सत्य कौन है और गलत कौन है। और यदि माना हम गलत होते तो हम पुलिस में रिपोर्ट क्यों कराते, ये तो स्वाभाविक सी एक बात है ना। यदि मेरे बेटे के खिलाफ उन्होंने स्टैंप चोरी का आरोप लगाया तो साबित करें ना वो, क्योंकि जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है साबित करें, नहीं साबित करेंगे तो फिर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। मतलब आप सत्ता हमारी है और तानाशाही आपकी चल रही है, आप जो मर्जी बोले जा रहे हैं। वही मुकदमा दर्ज होने के बाद ऋषिकेश से 2022 में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे जयंत रमोला ने कहा कि जब हमने राजस्व चोरी की बात के जांच की मांग की तो उल्टा हम पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में बहुत बड़ी विडंबना है, उत्तराखंड की बेटी के लिए न्याय मांगो तो मुकदमे मिलते हैं, सरकार में बैठे मंत्री की बेटे के कारनामों की जांच की मांग करो तो मुकदमे मिलते हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार बदले की भावना से काम करने लगी है और इसलिए जब हमने रेवेन्यू चोरी की बात कही, रेवेन्यू चोरी के तथ्यों के आधार पर कहा और उल्टा जांच कराने की जगह उल्टा हम लोगों पर मुकदमे किए गए, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में हास्यास्पद भी है। और चलो मैं कम से कम ये तो कहूंगा, मंत्री जी जो लगातार अपने चेलों से और अपने अन्य लोगों से मुकदमे करवाते थे, आज वो स्वयं इस इतनी हिम्मत उनके अंदर भी आई कि उन्होंने स्वयं उठकर अपने पुत्र से मुकदमे कराने का भी काम किया। और साथ साथ पूर्व में भी एक डिबेट में उनकी प्रवक्ता पहले से ही कह रही थी, हमें तो उसी दिन आभास हो गया था कि डिबेट में उनकी प्रवक्ता कह रही थी मुकदमे अवश्य होंगे और जांच दोनों की होगी, एक जांच में निर्दोष पाया जाएगा, एक जांच में दोषी पाया जाएगा। तो सरकार ने बिना जांच करे और सरकार के लोगों ने बिना जांच करे पहले ही तय कर दिया कौन दोषी है और कौन निर्दोषी है, फिर जांच निष्पक्ष होनी कैसे है। तो इसलिए मैं साथ साथ पुलिस के उन अधिकारियों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने एक बार में ही तहरीर के लेते ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि मैंने लगभग 8 महीने पूर्व में ही ऋषिकेश कोतवाली में इसी तरह की तहरीर दी हुई है, उस पर आज तक कोई जवाब नहीं मिला, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता जयंत रमोला, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी और कांग्रेस नेता अभिनव थापर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेमचंद के बेटे के ऊपर नरेंद्र नगर के पास एक जमीन खरीद में स्टैंप चोरी के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की सियासत शुरू हो गई है। फिलहाल देहरादून कोतवाली में पुलिस ने जयंत रमोला, गरिमा दसौनी और अभिनव थापर के खिलाफ धारा 469 और 500 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। तो ये थी देहरादून से हमारे सहयोगी अंकित शर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।